मित्रों, रिधि ज्योतिष केंद्र कुंडली पाठ 52 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंहासन योग बताने जा रहा हूँ। सिंहासन योग एक ऐसा योग होता है जो बहुत पैसा देता है, यश देता है, कीर्ति देता है, किसी तरह की कमी नहीं रहती। जीवन भर पैसों की दिक्कत नहीं, जीवन भर यश की कमी नहीं, कीर्ति की कमी नहीं, कभी कोई दिक्कत इसमें नहीं होती। सिंहासन योग के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है कि सारे ग्रह, चाहे वो सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, कोई भी ग्रह हो, वो अगर आ रहा है दूसरे घर में, छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में, पूरे के पूरे ग्रह अगर इन घरों में आ जा रहे हैं, इसमें राहु केतु कहीं भी हो सकते हैं। राहु केतु से कोई लेना देना नहीं होता इसमें। इसके होने से अगर लग्नेश अगर दूसरे घर में आ जाए, मतलब इस दो सारे ग्रहों के साथ, तो ग्रह कहीं भी हो सकता है। दूसरा, छठा, आठवां और 12वां, इसमें पूरे के पूरे ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इस तरह से पूरे ग्रह यहाँ 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 कहीं भी आ जाएं, दूसरे, छठे, आठवें, 12वें में, तो इसको हम बोलते हैं सिंहासन योग। हजारों सैकड़ों एकड़ जमीन, यश, कीर्ति, इस तरह की सारी चीज़ें देता है। बहुत शुभ योग होता है, बहुत उच्चकर योग होता है, बहुत मतलब अच्छे योगों में गिना जाता है। इसके अलावा अगर लग्नेश दूसरे घर में आ जाए, तो ये क्या हो जाता है, लग्नेश जैसे यहाँ पर सूर्य, सूर्य भी यहीं पर आ जाए, तो ये बहुत ही बढ़िया योगों में आता है। मतलब सारे ग्रह 2, 6, 8 या 12 में आ जाए, तो इसको हम सिंहासन योग में गिन लेते हैं। सिंहासन योग का सीधा सा सिंपल नियम है, कुंडली खोलें। कुंडली खोलेंगे तो दूसरे, छठे, आठवें, 12वें में पूरे घर मिल रहे हैं, पूरे ग्रह, और लग्नेश अगर यहाँ पर आ जाए तो ये बहुत शुभकर, सबसे अति शुभकर योग ये बन जाता है। तो ये था सिंहासन योग। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मैं बता दूं एक बार, अगर बाकी बहुत बड़ा योग नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है इसको देखने में, नॉर्मली आपको 2, 6, 8, 12 को ही देखना होता है। राहु केतु कहीं भी हो सकता है, राहु यहाँ, केतु यहाँ, राहु यहाँ, केतु यहाँ, कुछ भी, राहु केतु 180, राहु केतु बिल्कुल आमने सामने ही बैठते हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो तक नमस्कार।